आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप। जी हाँ, एडवांस लेक्चर की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हमने पेस्ट स्पेशल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक को थोड़ा सा एडवांस रूप देते हुए हम बात करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप की। ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला का भी यूज किया है, तो आप लोग बिगनर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ध्यान से समझिएगा तो आप समझ जाइएगा कि आखिर क्या है। मैं यहाँ पे दो डेटा सेट बना रहा हूँ पहले एग्जांपल के लिए। दो डेटा सेट हमने यहाँ से तैयार किया और हम विजुलाइजेशन के लिए चार्ट भी रख लेते हैं, अच्छा दिखे इसलिए। और चार्ट की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। एक और डेटा शीट बना लेते हैं मंथ वाइज। और यहां पे हम इसके सेल्स ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम एक चार्ट दे देते हैं और इसका चार्ट का भी फॉर्मेट हम दोनों ही सेल है तो यहां पे हम सेल्स सेल्स को वाई और यहां पे हम मंथली सेल्स कर देते हैं। दो हमारे सामने दो चीज हमारे आपके सामने है, देख लीजिए। अब दूसरे शीट पे ये तो मान लीजिए रिपोर्ट हो गया। दूसरे शीट में हमें यहां पे सेल्स देना है। और सेल्स में मैं यहां पे सिलेक्ट लिखता हूं और मैं यहाँ आता हूँ आपके इसमें डेवलपर में, नहीं डेवलपर नहीं, मान लीजिए इसमें डेटा वैलिडेशन कर देता हूँ, डेवलपर का एडवांस हो जाएगा। यहाँ डेटा वैलिडेशन में मैं जाता हूँ और यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को लेता हूँ और यहाँ दे देता हूँ भाई मंथ कॉमा सेल्स। तो अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे सेल्स को सिलेक्ट करूं तो मुझे मेरा जो है ए आना चाहिए। अगर मैं मंथ को सिलेक्ट करूं तो मेरा रिपोर्ट ए आना नीचे वाला आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक एक एरिया इसके एक काम करता हूं, मैं यहां पेज लेआउट में जाता हूं, बैकग्राउंड से ग्रिड लाइन को जो ग्रिड लाइन है उसको हटा दिया हमने। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूं, अब इसको कॉपी करता हूं और हमें जहां पेस्ट करना है वहां जाता हूं। पेस्ट में हम यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक पे आ जाते हैं, पिक्चर लिंक। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि हर पिक्चर जो है एक फॉर्मूला से जुड़ा होता है, हर पिक्चर फॉर्मूला से जुड़ा होता है। तो इसके जो फॉर्मूला ऊपर देख रहे हैं वो है रिपोर्ट A3 से J3, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बड़ा लिखने में लग रहा है ना सर, पूरा रिपोर्ट सीट के नाम छोटा वाला सीट के नाम हो सकता है समरी चाहे मंथ बाय रिपोर्ट इस तरह से नाम होगा तो यहाँ बड़ा हो जाएगा ना।
इसका एक शॉर्ट नेम हम दे देते हैं जी। हाँ, इसका एक शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम कैसे देंगे? तो दोनों का शॉर्ट नेम, मतलब कि जो नेम, ध्यान शॉर्ट नेम में ध्यान रखिएगा, जो आपके इस लिस्ट में नेम है ना, वही हम इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे। तो पहला नेम है कहां से रखेंगे? फॉर्मूला बार से। कहां? यहां डिफाइंड नेम। तो पहला हम यहां पे सेल्स दे देते हैं एंड, और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं मंथ, डिफाइन, और इसका नाम मंथ है, मंथ मतलब कि अगर यहाँ पे रिपोर्ट में ऊपर में अगर मैं मंथ सिलेक्ट करूं तो मंथली डेटा आएगा, अगर मैं इस पे सेल्स को सिलेक्ट करूं तो ये आपका सेल्स बाय डेटा आएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है दीपक जी, सिन्हा जी? नो सर। सिन्हा जी आपको? नहीं सर। ओके, तो यहां पे आप समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम यहां चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो है यहां पे जो है ये इससे लिंक हो जाए। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, ये जो मंथ लिखा हुआ है ना, इसको अभी सिस्टम समझेगा। अगर मान लीजिए मैं सम में ही, सम फॉर्मूला में इस मंथ को सिलेक्ट करता हूं तो आप समझे ये जीरो आएगा, लेकिन जब मैं सम फॉर्मूला में मंथ मैन्युअली लिख देता हूं तो रिजल्ट क्या आता है? आपका डेटा आता है। मतलब कि अगर हम फॉर्मूला में इस मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो इस मंथ को एबीसीडी समझ के रिजल्ट जीरो दे देता है, लेकिन वही मैं फॉर्मूला के अंदर मंथ लिख देता हूं तो ये मंथ नाम का इसका शॉर्ट नेम से इसका जो एड्रेस पे चला जाता है और इस डेटा को सम करके हमें दे दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला या मेरा एक्सेल इस मंथ को मंथ नहीं, इस मंथ को डिफाइन किया गया नेम समझे, जिससे इस रिपोर्ट, इस डेटा को समझ सके और इसका कैलकुलेशन कर सके। तो उसके लिए आपको इस B3 को एक इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला होता है, उस इनडायरेक्ट नाम के फॉर्मूले के अंदर अगर आप रखते हैं तो ये काम हो जाएगा। इनडायरेक्ट का काम क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो आपने मंथ लिखा या कुछ भी लिखा उसको कन्वर्ट करता है इसके रेफरेंस में। मतलब कि आपने यहाँ पे A1 लिखा तो सम के अंदर आप डायरेक्ट A1 लिखते हैं तो कोई बात नहीं, वो A1 का वैल्यू ले लेता है, लेकिन किसी सेल पे A1 लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उसको A1 नहीं समझेगा, उसको ABCD और टेक्स्ट समझेगा। तो इस A1 को ये बताना है कि जो A1 जो है टेक्स्ट नहीं, A1 है, इसके लिए हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, इसके अंदर में इस A1 को रखना होता है। ओके, तो हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया। तो दिनेश जी, दीपक जी, अंशना जी, इनडायरेक्ट क्या होता है समझ में आया? दोबारा रिपीट करेंगे सर। इनडायरेक्ट का क्या यूज होता है कि हम जो रेफरेंस, देखिए सिंपल से बात समझिए ना, रेफरेंस समझते हैं ना, A1 समझते हैं, A1 क्या होता है? हाँ। तो अब A1 अगर आपको मान लीजिए कि A1 पता है तो आपने यहाँ पे सम के अंदर में A1 लिख के उसका रिजल्ट ला देंगे, सम या जो भी करना है कर सकते हैं। बट आपको A1 पता नहीं है, कोई और फॉर्मूला A1 ला के दे रहा है आपको यहाँ पे। अब मुझे इस, जैसे यहाँ 25 आया ना, ऐसे यहाँ लेके आना है मुझे, तो इस A1 को कोई और फॉर्मूला कंसीडर नहीं करेगा एज ए रेफरेंस, इसको कंसीडर करेगा एज ए टेक्स्ट, सेल वैल्यू, सेल एड्रेस नहीं, सेल वैल्यू। तो किसी भी फॉर्मूला, चाहे सम हो या काउंट हो, कोई भी फॉर्मूला को समझाने के लिए कि A1 कोई टेक्स्ट या सेल वैल्यू नहीं है, A1 वही है जो हम मैनुअली A1 लिखते हैं, इस चीज को समझाने के लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में हम इस A1 को लिखेंगे। अच्छा, देखिए
इसको समझना है तो यहाँ फॉर्मूला बार में एवलेट फॉर्मूला होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। तो इनडायरेक्ट को क्या मिला, ए वन इन द इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा क्या कहाँ यूज होता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए यूज नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट ने सिंपल क्या किया, इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया। ठीक आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अब मैं यहां पे क्या इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में ए वन लिख के यहां इसको सिलेक्ट कर दू मंथ को, तो क्या लेगा। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई सर, चार्ट या किसी भी तरह का पिक्चर लिंक कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम दो ही चीज एक्सेप्ट करेंगे, खाए तो आप यहां पे डायरेक्ट रेफरेंस डालें या किसी रेफरेंस का डिफाइन शॉर्ट नेम डालें, जैसे कि सेल्स एंड मंथ। प्रॉब्लम समझ में आया सर? अब ये क्या क्या करें, तो डिफाइन नेम कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट करता हूं। अब यहां पे देखिए आपका ये जो पिक्चर लिंक पिक्चर क्या कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो चीज एक्सेप्ट करूंगा, खाए तो आप रेफरेंस दे दें इस तरह से, या फिर आप या फिर किसी रेफरेंस का या किसी भी तरह का डिफाइन नेम मुझे दीजिए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ओके, नेम कहता है कि मुझे आप कुछ भी दे दो, मतलब कि एक तरह से इंटरमीडिएट का काम ये करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक और नेम डिफाइन कर दूं, जैसे एसएस के नाम से मैं डिफाइन किया, और इस बार यहां पर मैं किसी तरह का रेफरेंस नहीं दूंगा। इससे पहले तो मैंने एक एरिया रेंज दिया था ना, यहां पे किसी तरह का एरिया रेंज नहीं दूंगा, यहां पे मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। इनडायरेक्ट के अंदर में ये आपका जो B3 है, B3 को डाल देता हूं, ठीक है। उसको फ्रीज करना जरूर नहीं, मत भूलिएगा, फ्रीज जरूरी है। अब मैं इस सेल्स की जगह पे SS का हो गया, मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूंगा तो सेल्स होगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा तो मंथ होगा। अच्छा, ये है हमारा पिक्चर लुकअप, मतलब कि हम पिक्चर को लुकअप कर रहे हैं, समझ गए? ठीक। इसमें एक और चीज है, एक और एग्जांपल होगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, उसमें हमने ऑफसेट मैच ऐसे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, तो वो फॉर्मूला अभी आपको हमने बताया नहीं है, अभी आपको समझाया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसको हम होल्ड करते हैं, उस एग्जांपल को हम अगली बार करेंगे। वो एग्जांपल कैसे यूज होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, राइट, एक स्कूल है मान लीजिए, और जितने स्कूल के एडमिशन होते हैं उसकी आप पूरा डेटाबेस बनाते हैं एक्सेल में, पूरा रोल नंबर वाइज। अगर किसी का डिटेल आपने इसके साथ एक और समरी सीट बना रखी है जहां पे आप स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स वी लुकअप से आ जाती है, जैसे आप लोगों का रिजल्ट आ जाता था। तो आप चाहते हैं कि डेटा तो वी लुकअप से मंगा रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का फोटो भी आ जाए, तो वहां पे पिक्चर लुकअप का काम एक करेगा, लेकिन उसमें मुझे मैच ऑफसेट ऐसे फॉर्मूला भी यूज करने पड़ेंगे, तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको? हाँ। दिनेश जी आपको आया? हाँ सर, क्लियर है। तो इसका यूज आप लोग कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थे होम मेनू बार के क्लिप बोर्ड पे, तो हमने कॉपी पेस्ट अभी तक के क्लासेस में कॉपी पेस्ट वगैरह किया था, पेस्ट स्पेशल किया था। इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि हम करेंगे आपके साथ, जैसे सबसे पहली बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की, कट कॉपी तो नॉर्मली पता है आपको, नहीं।
यहां पे हम जो है एक कोई भी एक डेटा लेते हैं, इस पर डेटा था ना मेरे इस फाइल में, हाँ रिपोर्ट पे आते हैं। मान लीजिए इसको हमने थोड़ा सा कलर कर दिया और फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहां से। अब मुझे इसकी जो सेम फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और हम इस पर करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे कई सारे जगहों पर अप्लाई करना है, तो हर बार आपको क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करें कि इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये हटेगा नहीं। जहां अप्लाई करना है जितना अप्लाई करना कर सकते हो। डबल क्लिक से फॉर्मेट पेंटर पर करना है या सेल्स पर करना है? नहीं नहीं फॉर्मेट पेंटर पर करना है। ओके। तो फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि ये फ्री हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल तो जैसे होता है इस पे क्लिक किया और आपने जहां अप्लाई करना अप्लाई कर देते हो, लेकिन एक बार के बाद हट जाता है, कहीं और अप्लाई करना है तो वापस क्लिक करके वापस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होता है। यहां जस्ट डबल क्लिक कर दें तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो आप लोगों के ऑफिस में ऐसा होगा कि एक एक फाइल आती होगी जिसमें बहुत सारे डेटा होता होगा, अलग अलग फाइल या अलग अलग शीट होगा, उसको कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे आप कुलेट करते हो, राइट? एक के नीचे कॉपी पेस्ट करते हो, राइट? अब मैं इसी तरह से मैं यहां भी कर रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और एक के नीचे इस तरह से पेस्ट कर रहा हूं। राइट अब मुझे इसको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो जनरली आप लोग मैनुअली कितना का कैसे करते हैं? आप करते हैं कि सीट पे जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर अगले सीट जहां पेस्ट करना है वहां जाते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर अगले सीट पे जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर इस सीट में सबसे लास्ट पे आते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। ओके फिर तीसरे सीट पे जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं और तीसरे सीट पे आप यहां पे पेस्ट करते हैं। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपका मैं 50% काम खत्म कर सकता हूं, मतलब कि शॉर्ट कर सकता हूं। कैसे? आप कॉपी करने से पहले यहां क्लिपबोर्ड का सामने एक एरो निशान है, इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करते हैं, यहाँ इस तरह के आ जाएंगे। अब बस आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी होते ही इसमें ऐड हो जाएगा, तो जहां जहां जाते हैं आप वहां वहां कॉपी करते चलिए। जस्ट सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। अभी जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सेल फाइल में हो, आप अलग अलग फाइल पे भी जाके कॉपी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्सेल ही हो, आप वर्ड, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट ऐसे जगहों पे भी कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा ऐड हो जाएगा। अब कॉपी ऐड हो गया, मुझे पेस्ट करना है। अब यहीं पे कर्सर रखिए और पेस्ट ऑल, क्या कीजिएगा, पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल करते ही आप देखिए आपका सारा डेटा एक के नीचे पेस्ट हो गया। ये सर फाइल बंद करने के बाद में भी क्लिपबोर्ड में रहेगा क्या ये डेटा? हाँ, अब इसके बाद मान लीजिए क्लिपबोर्ड आपका हो गया तो क्लियर, यहाँ से क्लीन दिख रहा है ना आपको सर। अब कई बार ही पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार, मैं और भी पेस्ट कर सकता हूँ इसमें। जैसे मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो पेस्ट और पेस्ट हो गया। अब मुझे पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसको खाली चाहिए। ऐसे भी 24 से ज्यादा इसमें ऐड होता नहीं है, 24 के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लीन होने लगेगा। फिर आपको क्लीन करना है दूसरा किस कॉपी करने के लिए, तो यहाँ से इसको क्लीन कर दीजिए, ये आपका क्लीन हो गया। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, अपने सिस्टम पे कहीं भी कुछ भी कॉपी कीजिएगा तो ये इसके अंदर स्टोर कर देगा, इसको क्लिप बोर्ड कर देगा। ठीक है? ठीक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में। दिनेश जी एंड क्लस्टर सिन्हा जी एंड दीपक जी, यस सर क्लियर विदाउट
नहीं, बढ़िया सर, चलिए अब ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मैं रैंड की जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूँ, कॉमा नहीं। सर ये क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन से, ये पुराने जो वर्जन में सब होंगे, में ये सब में है, सब में सब है ना? मैंने नोटिस नहीं किया था उसे। बहुत चीज है जो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। आप उतना ही एक्सेल को जानते थे जितना आप यूज करते थे, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो हमारे छोटे 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 ऑप्शन, लेकिन काम को बहुत। जैसे क्लिप बोर्ड देख लीजिए, आपको अगर 1 महीने की फाइल लोड करनी है तो अभी 1 महीने की फाइल के 30 फाइलों को कॉपी पेस्ट करना है, तो उसमें आपको ये एरर को भी कंट्रोल कर सकता है और आपका 50% काम को बचा देगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड। अगला टॉपिक हमारा इस क्लास में है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे पिवट करे, चाहे कॉपी करे, चाहे पेस्ट करे, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बगैर सिलेक्शन ना आप पिवट लगा सकते हैं, बगैर सिलेक्शन ना आप कॉपी कर सकते हैं, बगैर सिलेक्शन कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जैसे कि अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो जस्ट कंट्रोल ए कीजिए, ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अब ये कंट्रोल ए जो शॉर्टकट है किस ऑप्शन को ट्रिगर करता है? तो यहां फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू ए स्पेशल, और इसमें आपके सामने आता है करेंट रीजन, इसको ट्रिगर करता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, जैसे कोई अगर ब्लैंक रो बीचों बीच है तब हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन इससे ऊपर का ही करेगा, उससे नीचे का नहीं करेगा। ओके ये छोटा सा दिक्कत है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इससे आगे का ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा ब्लैंक हुआ तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सिलेक्शन करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ओके, स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट को क्लिक करें और सबसे लास्ट में प्रेस करें, प्रेस करें शिफ्ट के साथ क्लिक करें, तो ये आपका पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे ब्लैंक है क्या है उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा, आप अपने एरो की कोई मूव कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने डाउन किया तो कर्सर डाउन आ जाएगा, लेफ्ट किया तो लेफ्ट आ जाएगा, अप किया तो अप आ जाएगा, राइट किया तो राइट आ जाएगा, ठीक है? ये सिलेक्शन है आपका। लेकिन मुझे इसको सिलेक्ट कर से मूव नहीं, सिलेक्ट भी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट को कीजिए, राइट कीजिएगा तो राइट में, डाउन कीजिएगा तो डाउन में सिलेक्ट। तो इसको राइट से राइट में एंड डाउन से डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसे बीच में ब्लैंक हुआ तो आपका यहीं पे आके रुक जाएगा, इसलिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके ओके हाँ। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, मतलब कि मुझे कुछ कुछ इसमें सब कुछ ही सिलेक्ट करना है, कुछ कुछ सिलेक्ट करना है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्रेस करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं क्या? लेकिन इस पे भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मेटिंग वर्टिंग करनी है तो इसका यूज कर सकते हैं, कॉपी करना है तो ऐसे सिलेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब कि इस तरह से कहीं भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको कॉपी करनी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके यहां भी मैं 3 कॉलम ही सिलेक्ट करूंगा, याद रखिएगा सेम सिक्वेंस, मतलब कि हमने ऊपर एबीसीडी को सिलेक्ट किया है तो नीचे भी एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, रो कोई भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है,
तो तीन कॉलम किया है तो तीन कॉलम ही सिलेक्ट होना चाहिए, तब कॉपी होगा, और कहीं भी इसको पेस्ट करेंगे तो वहां पे सीक्वेंस ही आएगा। अगर आपने सिलेक्ट इसमें गलती की से ऊपर तीन कर लिया, यहाँ भी तीन कर लिया, यहाँ भी तीन कर लिया, उसके बाद यहाँ एक कर लिया, तो ये आपका कॉपी नहीं होगा। उसी तरह से सीन अगर आपने रो, अगर आपने मान लीजिए टू से लेके सेवन तक हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ अप्रैल में भी मुझे टू से लेके सेवन तक ही सिलेक्ट करना होगा, और आगे अगर कहीं करना चाहते जिस भी कॉलम में करेंगे तो उतना ही कॉलम करेंगे, सबका सेम बराबर होना चाहिए सब कुछ, और तब ये आपका कॉपी होगा और फिर पेस्ट हो जाएगा। इसका भी आप ख्याल रखिए। दूसरी चीज यहाँ पे, जैसे कि मुझे दो सेल्स है, एक साथ दो सेलों का डेटा कॉपी करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस पे चले गया और फिर इसको कॉपी करता, कॉपी कर लिया और फिर किसी सीट में इसको हम पेस्ट करते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने दो सीट का यहाँ पे एक ही सेल का आता, दो का नहीं आएगा। क्या हो गया उसको? किसी भी तो हफ्ता में काट बात सिलेक्शन मेथड थी, इसको यूज कीजिए आप लोग, ठीक है सर।